लगता है अगर भव्य को टिकट मिलती है तो आपके लिए कुछ आसान होगा या वो लड़ाई उतनी टफ मान? मैं तो कहता हूँ कोई ऐसा समीकरण निकालो, दोनों को लड़ाओ सामने, कहीं एक आधे के मुकाबला रह जाएगा। पिता चुनाव लड़ा तो बेटा सोचेगा भाई मुझे मौका मिलता मैं तो जीत जाता, पापा घर में लड़ेंगे जाके, और बेटा लड़ेगा तो पापा कहेगा मैं जीतना था तूने खराब कर दिया मामला। आज कुलदीप बिश्नोई जी वहाँ पर डिक्टेट कर रहे हैं अपनी टर्म्स को, और वो भी परिवारवाद को लेकर। अब आप भी नहीं है और कुलदीप भी नहीं है, कांग्रेस को कहाँ दे? कांग्रेस आई होती थी, अब कांग्रेस गई है। एक महीना पहले पिछली सात तारीख को आम आदमी पार्टी में शामिल हुए सत्येंद्र सिंह को भाजपा ने आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार के तौर पर उतार दिया है। हम सत्येंद्र सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सत्येंद्र जी, आप पहले भाजपा में थे, अब आम आदमी पार्टी में आए हैं और उम्मीदवार भी आपको बना दिया गया है, कैसे देखते हैं इस चुनाव को? देखिए, विधानसभा का उपचुनाव है और मैं ये मानता हूं कि उपचुनाव ना होकर ये व्यवस्था परिवर्तन का समय है। व्यवस्था परिवर्तन शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर, बिजली को लेकर, पानी को लेकर, और यहां के जो प्रतिनिधि हैं उनकी एब्सेंट, उनकी अनुपलब्धता, उसको लेकर ये चुनाव रहेगा। आपने 2014 में भी चुनाव लड़ा था, तब महज 8% वोट आपको मिली थी और 10,000 प्लस वोट पा पाए थे, जमानत भी जब्त हुई थी। अब की बार जीत कैसे दर्ज कर पाएंगे या वो आंकड़ा कैसे छू पाएंगे कि आप आदमपुर की जनता के दिल में राज कर सके? देखिए, मैं बड़ा सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि मैं ऑप्टिमिस्ट आदमी हूं, हमेशा विकास, 8 साल पहले क्या हुआ था उसको लेकर हम बैठे रहेंगे तो आगे तरक्की नहीं कर पाएंगे। 75 साल पहले देश आजाद हुआ, आज देश विकासशील से विकसित देश की श्रेणी में जाने की ओर अग्रसर है और चला जाता। अगर बेहतर मैनेजमेंट होता, अगर बेहतर सरकार का क्रियान्वयन होता, अगर बेहतर नीतियां होती, अगर बेहतर नीयत होती तो हम विकसित देश हो चुके होते। आज आम आदमी परिवर्तन की तरफ देख रहा है। ये चुनाव आम आदमी वर्सेज सामंतवादी लोगों का है, आम आदमी वर्सेज रजवाड़ों का है, आम आदमी वर्सेज गढ़ और जो दादालाई जो कहते हैं उनका है। क्या आपके पास क्या प्लान है, आप आदमपुर में अगर जीतते हैं या आप आदमपुर की जनता के बीच में आज से जाना शुरू करेंगे तो आप क्या अपना एक प्लान रखेंगे, मास्टर प्लान क्या है आदमपुर को लेकर? देखिए, मैं सर्वप्रथम तो ये बताना चाहूंगा कि मैं पिछले 8 साल को 365 दिन से गुणा करिए, मैं इतने दिन से आदमपुर विधानसभा में हूं, और मैंने प्लेटफॉर्म पे भी ये बात रखी है, मैं आपके माध्यम से भी बात रखना चाहता हूँ। कुलदीप बिश्नोई जी, जब से मैंने 2014 में चुनाव लड़ा तब से यहाँ पर विधायक हैं। 8 साल में कितने दिन होते? 55 गांव है केवल आदमपुर विधानसभा में, 55 गांव में एक भी दिन मुझे यहाँ के लोकल विधायक के दर्शन नहीं हुए। मैं ये मानता हूँ कि उपलब्धता जो है, एक बहुत हमारे एक साथी, अभी कार्यकर्ता साथी ने एक चीज कही थी, उन्होंने कहा था कि हथियार हाथ का और नेता साथ का। जिस नेता से मिलने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़े कि भाई आज नेताजी का पहले तो पता करो, 24 घंटे में तो पता लगता है नेताजी है कहाँ पे, दिल्ली में है, चंडीगढ़ है, यूएसए में है, यूके में। चलो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने, धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने पासपोर्ट जब्त कर रखे हैं तो हिंदुस्तान से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, परंतु फिर भी हिंदुस्तान में भी ढूंढना पड़ता है। और वो कहते भी हैं भाई मैंने तो सारा देश देखना है। अभी भी जितनी बार वो प्रेस के माध्यम से, अन्य प्लेटफॉर्म पे, साधनों में, चौक में, चौपाल में, वो कुछ दिनों से बड़े एकदम एक्टिव हुए हैं, तो वो ये कहते हैं कि मुझे तो राजस्थान देखना है। उनके हरियाणा में रुचि, मुझे नहीं लगता रुचि, क्योंकि वो मानते हैं अंदर से, उनको भी पता है इस बात का कि आदमपुर विधानसभा जो उन्होंने पूर्व लिखा है वो पूर्व उन्होंने सीमेंट में चिन्हने का काम कर दिया। वो खुद भी चाहते हैं कि भव्य को टिकट मिले, उनको टिकट ना मिले। यही तो मैं कहता हूं, यही सवाल मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछता हूं आपके माध्यम से, किस तरह की पार्टी है, क्या आपका पार्टी विद अ डिफरेंस से शुरू हुई थी कि वी आर पार्टी विद अ डिफरेंस। आज कुलदीप बिश्नोई जी वहां पर डिक्टेट कर रहे हैं अपनी टर्म्स को, और वो भी परिवारवाद को लेकर, जिस परिवारवाद की भारतीय जनता पार्टी घोर विरोधी रही, जिस परिवारवाद को के खिलाफ खड़े होकर उन्होंने विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़े। आज वहां पर एक सामान्य आदमी, क्योंकि इन्होंने कुछ दिन पहले कहा था मैं सामान्य कार्यकर्ता हूं, सामान्य कार्यकर्ता वहां जाकर डिक्टेट करने का काम करता है कि मेरे को टिकट मत दो, मेरे बेटे को टिकट दो। तो मैं कहता हूं ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर सवाल नहीं है, तमाचा है। आपको लगता है अगर भव्य को टिकट मिलती है तो आपके लिए कुछ आसान होगा या वो लड़ाई उतनी टफ मानते? मैं तो कहता हूँ कोई ऐसा समीकरण निकालो, दोनों को लड़ाओ सामने, कहीं एक आधे के मुकाबला रह जाएगा। पिता चुनाव लड़ा तो बेटा सोचेगा भाई मुझे मौका मिलता मैं तो जीत जाता, पापा घर में लड़ेंगे जाके, और बेटा लड़ेगा तो पापा कहेगा मैं जीतना था तूने खराब कर दिया मामला। मैं कहता हूँ जैसे पीछे इनको लोकसभा में लोगों ने, आम आदमी ने सबक सिखाने का काम किया, अब भी वही होगा, कोई लड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली यहाँ पर फाइट जो है
वो चुनाव के मुद्दों को लेकर है। इन्होंने धर्म पे जाति पे बहुत बांटने का काम कर लिया, इस बार लोग इनसे सवाल जवाब करने के मूड में है और वो सवाल होंगे जिनके इनके पास जवाब नहीं होंगे। आप कांग्रेस के उम्मीदवार रहे हैं, आपने कांग्रेस पार्टी से चुनाव भी लड़ा है, अब की बार कांग्रेस को कहां देखते हैं, क्योंकि आप भी नहीं है और अब तो कुलदीप बिश्नोई जो कांग्रेस में हुआ करते थे उन्हीं की हमेशा विधायक जितवा करके कांग्रेस सिंबल यहां पर जो स्थापित होता आया, अब आप भी नहीं है और कुलदीप भी नहीं है, कांग्रेस को कहां देखते हैं? कांग्रेस आई होती थी, अब कांग्रेस गई है, गई कांग्रेस गई। आप विश्वास, आपको विश्वास है कि आपको आदमपुर की जनता जितवाएगी? आम आदमी जितना स्नेह और सहयोग और आशीर्वाद मुझे 8 सालों में मिला है, मैं 100% इस बात का दावा करता हूं कि आदमपुर विधानसभा से हरियाणा के विधानसभा में आम आदमी का बेटा और बेटी जाएगा। बड़ा मुद्दा क्या समझते हैं आप जो कुलदीप बिश्नोई हल नहीं करवा पाए आदमपुर? एक हो तो बताऊं, आप बताइए ना, ताजा, वो कहते हैं भी ताजा ताजा आने दो, ताजा ताजा शिक्षा है, ताजा ताजा किसानों का मुआवजा है, कितने दिन से घोषणाएं करते फिर रहे हमने किसानों का मुआवजा दे दिया, मुझे लागे दिखाइए किसान जो कहता है मुझे मुआवजा मिल गया। कितने स्कूल बंद है? 18 स्कूल बंद हो चुके हैं अभी तक, मतलब आई एम नॉट श्योर पर 18 के लगभग स्कूल बंद हैं, और एक कल वो कहते हैं कि भाई हमने एक स्कूल खुलवा दिया, वो खुल जाएगा जब देखेंगे, मुझे तो लगता नहीं। तो ये थे सत्येंद्र सिंह जिनको आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार के तौर पर आदमपुर उपचुनाव के लिए उतारा है। अब इनका दावा है कि अगर इनको अब चुनावी मैदान में ये उतरेंगे और जीत करके बाहर आएंगे, ये इनको पूरा विश्वास है कि आदमपुर की जनता इनमें विश्वास जताएगी और इनको जिताएगी, लेकिन देखना होगा कि जब 6 तारीख को 6 नवंबर को जब रिजल्ट आता है तो आदमपुर से जीत का सेहरा किसके सर बनता है। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब के सीटीवी हिसार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।